अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। मेरठ में आज दोपहर 1 से 4 बजे के लिए बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर झाड़ू पहुंच की और देखा कि सब कुछ सामान्य रखा भी है अथवा नहीं। जिला एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश के बाद आज सन्नाटे में पसरी सड़कों पर एकाएक ही व्यापारियों की भीड़ भी नजर आने लगी। आज जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने दोपहर 1 से 4 बजे के बीच कुछ इलाकों में दुकानें झाड़ पहुंचने के लिए खोलने की अनुमति दी थी। इस बीच मेट्रो प्लाजा पर पुलिस ने कुछ व्यापारी, जिनमें व्यापारी नेता भी शामिल थे, के लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर चालान काट दिया। इसे लेकर वहां काफी देर तक विरोधाभास व तनाव की स्थिति बनी रही। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और चालान करने वाले पुलिसकर्मी से बात भी की। अजय गुप्ता का कहना था कि फोन पर पुलिसकर्मी ने ऐसे ही चालान करते रहने की बात कही, जिस पर SP ट्रैफिक संजीव वाजपेयी से बात की गई। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता। संयुक्त व्यापार संघ की मांग पर जिला प्रशासन ने आज व्यापारियों को 1 बजे से 4 बजे तक उनके व्यवसायों को, उनकी दुकानों को खोलकर चेक करने और साफ सफाई के लिए आज अनुमति प्रदान की थी, जिसका पूरा प्रचार प्रसार हमने भी किया था और जिला प्रशासन द्वारा सभी थाना अध्यक्षों को सबको बताया गया था। लेकिन आज एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह बनी कि ट्रैफिक पुलिस ने इस सब के बावजूद जो व्यापारी अपनी दुकानें खोलने के लिए दुकानों पर अपने वाहनों से जा रहे थे, उनके चालान किए और उसका गढ़ रहा मेट्रो प्लाजा पर। वहाँ पर तैनात TI सुनील कुमार ने लोगों से, व्यापारियों से दुर्व्यवहार किया और सबके चालान काटे, जिसकी सूचना हमको मिली, जिस पर हम लोग वहाँ मौके पर गए और तब तक हमने SP ट्रैफिक और से मैंने स्वयं बात की और SSP महोदय से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनको PRO से मेरी बातचीत हुई। तब वो संदेश जो है सेट पर फ्लैश कराया गया, लेकिन तब तक अधिकांश व्यापारियों का उत्पीड़न मेट्रो प्लाजा पर TI द्वारा किया गया और हम मौके पर पहुंचे तो TI वहां से जा चुके थे, जिसकी शिकायत मैंने SP ट्रैफिक और SSP महोदय से की है और SP ट्रैफिक ने मुझे यह आश्वस्त किया है कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी और ये जो जिस तरीके से व्यापारी को उत्पीड़न किया गया ये निंदनीय है। जबकि यह जिला प्रशासन से बैठक में जहाँ बैठक हुई थी वहाँ SSP साहब भी मौजूद थे, SP ट्रैफिक मौजूद थे, उन सब की मौजूदगी में ये व्यापारों को, ये बाजार को खोलने की रणनीति तैयार हुई थी। इस बीच कई दुकानदारों ने बरसात व अन्य कारणों से माल खराब होने की भी शिकायत की है। लिसाड़ी गेट चौराहे पर स्थित खान साहिब ड्रेसेस के संचालक खान मोहम्मद ने बताया कि बरसात से उनका काफी कपड़ा खराब हो गया है, लाखों का नुकसान होने की बात भी उन्होंने कही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।